हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साइबा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस, मींस कि आप फेशियल रेजर्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है उसको फर्स्ट टाइम यूज़ करने का गाइस। और फर्स्ट टाइम में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो रहा है, और अच्छा भी है बुरा भी है, वो पूरा इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो फेशियल रेजर्स, या फिर यूज़ करने से पहले आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं कि उनको यूज़ करने से पहले मिथ्स, क्योंकि हमारे इतने ज़्यादा मिथ्स होते हैं ना फेशियल रेजर्स को लेके बहुत ही ज्यादा। तो इस वीडियो में जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वो सारे आपके मिथ्स भी क्लियर हो जाएंगे, उन सबको पहले क्लियर ही करेंगे, उसके बाद मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी प्रॉपर, कि प्रॉपर डेमो आपको किस तरीके से यूज करना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसको जानने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा एंड तक। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यहाँ पे जो मैं फेशियल रेजर्स की बात कर रही हूँ, आप कोई से भी ब्रांड का फेशियल रेजर्स ऐसे ही उठा के यूज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेंज में भी आपको मार्केट में फेशियल रेजर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ ढूंढ के मैंने निकाला है ऑनलाइन से, जो कि मैंने ऑनलाइन से परचेज किया था फेशियल रेजर्स, वो है यहाँ पे ये वाला फेशियल रेजर्स, अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ इस तरीके से ये रेजर्स आते हैं। इसमें तीन रेजर्स आते हैं गाइज, आपने अब बहुत सारे लोग इसको यूज भी कर रहे होंगे शायद, और या फिर यूज कर चुके होंगे। गाइज हम यहाँ पे फर्स्ट बात कर लेते हैं रेजर्स के मिथ्स के बारे में, क्योंकि हमारे मन में ना बहुत ज्यादा मतलब डाउट्स रहते हैं रेजर्स को लेके, कि हम फेशियल रेजर्स यूज करेंगे तो हमारे जो हेयर्स हैं वो ज्यादा थिक ग्रो होंगे, या फिर हमारे हेयर्स और ज्यादा लॉन्ग आने लग जाएंगे फेस के ऊपर, या फिर ज्यादा ग्रोथ होने लग जाएगी, कुछ इस तरीके से हमारे मन में डाउट्स होते हैं। तो उन डाउट्स को मैं आपको सारे 1-to-1 क्लियर कर देती हूँ। तो गाइज फर्स्ट जो हमारे रेजर को लेके हमारे मन में जो डाउट आता है वो ये है कि हमारे जो हेयर्स की ग्रोथ है वो ज्यादा तो नहीं होगी। तो बिल्कुल नहीं होगी गाइज, जो हमारा फेशियल रेजर्स है ना वो आपके ऊपर से जो आपकी हेयर्स होते हैं ना उनको रिमूव करता है, तो अंदर से तो कुछ लेना देना है नहीं है, तो क्यों हमारी जो ग्रोथ होगी उस पर फर्क पड़ेगा। जैसी जिसकी ग्रोथ होगी आपके स्किन के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, सिर्फ वो वैसे ही रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रेजर यूज करने के बाद आपकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि फेशियल रेजर यूज करने के बाद हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हार्ड होगी, तो गाइज पहली बात तो यही है, जैसे मैं फर्स्ट वाले में बताया कि ये सिर्फ आपके ऊपर से हेयर्स को रिमूव करता है, तो अंदर से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, थोड़ा बहुत तो आपको अजीब सा लगेगा फर्स्ट टाइम यूज करने के बाद भी, कि आपको थोड़ा रफनेस टाइप का लगेगा अपने फेस के ऊपर, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हार्ड जो हेयर ग्रोथ है वो होगी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर यूज कर सकते हो इसको, कि आपकी जो हेयर ग्रोथ पे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि फेशियल रेजर्स को यूज करने के बाद हमारे जो फेस के ऊपर है कोई साइड इफेक्ट्स होता है, या फिर दाने टाइप के कुछ निकल आते हैं, या फिर ऐसा कुछ। तो मैं आपको पहले ही श्योर कर देती हूँ कि अगर आप इसको फर्स्ट टाइम यूज करने वाले हो तो आपको जरूर आपको क्या है पैच टेस्ट करना है। पैच टेस्ट कैसे करना है, क्रीम का तो हम कैसे भी कर लेते हैं ना, नेक के ऊपर कर लेते, तो हम रेजर का भी कर सकते हैं गाइस। इससे थोड़ा सा आपको क्या करना है कि आप नेक के ऊपर या फिर साइड में आपको थोड़ा सा रिमूव करके देखना है हेयर्स, अगर आपको कुछ टाइम तक कुछ नहीं होता है, कुछ भी एलर्जी टाइप की या फिर कोई भी बर्निंग सेंसेशन टाइप की नहीं फील होती है, तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो कोई सा भी रेजर्स, फेशियल रेजर्स। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो एक बार पैच टेस्ट तो जरूर करिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सभी के मन में आता होगा कि फेशियल रेजर को कितनी बार यूज करना चाहिए, और क्या हम एक बार यूज करेंगे तो कितने टाइम तक हम हेयर फ्री रह सकते हैं। तो मिनिमम आप इसको एक वीक में 2 बार तो यूज कर सकते हो, या फिर एक बार भी यूज कर सकते हो, आपके हेयर्स के टाइप से है कि वो जल्दी ग्रो होते हैं या फिर लेट ग्रो होते हैं। जिस तरीके की आपकी हेयर की ग्रोथ होगी उसी तरीके से ग्रो होंगे, रेजर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है गाइज। तो आप इसको वीक में एक बार तो जरूर अपने हेयर्स को जो है रिमूव करने के लिए हेल्प ले सकते हो इसकी। और हाँ गाइज, इसको यूज करते टाइम आपको कोई भी बर्निंग टाइप की नहीं होती है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप बिगनर्स हैं और फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो बहुत सी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए फाइनली इसका डेमो स्टार्ट करते हैं, और डेमो स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फाइनली देख लेते हैं इसका डेमो। यहाँ पे मैंने अपने फेस के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया हुआ है उन्हें लिपस्टिक के अलावा। तो हम अपने फेस को तैयार कर रहे हैं रेजर यूज़ करने के पहले। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये टोनर, जो कि डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर है, और इसके बाद हम अपने फेस के ऊपर स्क्रब करेंगे, यानी कि जो भी डेड स्किन होगी ना उसको रिमूव करेंगे रेजर यूज़ करने से पहले, फेशियल रेजर। तो मैं कोई भी यहाँ पे चाहती नहीं थी मेरी फेस जो स्किन ख़राब हो या कुछ भी हो, मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली थी, दैट्स वाई। तो स्क्रबिंग करना बहुत अच्छा होता है कभी भी रेजर वगैरह यूज़ करने के पहले, आप बॉडी पर भी इस तरीके से कर सकते हो स्क्रब। उसके बाद अच्छे से स्क्रब करने के बाद आपको करने लेना है अपना फेस वॉश। फेस वॉश करने के बाद, पैड ड्राई करने के बाद हम यूज़ करेंगे ये वाले रेजर्स जो कि मैंने अभी आपको बताया, और ये कैप के साथ आया था, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसको अच्छे से रख भी सकते हो। और इसको यूज़ करने के पहले आपको क्लीन कर लेना है डेटॉल से, या फिर कोई भी मतलब सैनिटाइज़र हो उससे आप क्लीन कर सकते हो। देन मैं सोच रही थी कि अपने मैं फेशियल हेयर इस तरीके से रिमूव करूँ, बट मुझे
थोड़ा सा डर भी लग रहा था यूज़ करने के पहले कि किस तरीके से ये वर्क करेगा, आप मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हो। बट यहाँ पे पहले मैंने इसको अपर लिप पे ट्राई किया जो कि बहुत ईजी होता है यूज़ करना, तो अपर लिप्स में थोड़ा थोड़ा मैंने ट्राई किया था तो देन इट्स वर्किंग गाइज, मतलब कि ये काम कर रहा था एक्चुअल में। मैं देख रही थी कि हाँ मतलब इससे रिमूव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं फेशियल हेयर्स, तो बहुत ईजीली आपको मतलब धीरे धीरे हाथ से आपको जो है अपने हेयर्स जो है वो करने होते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, ऐसा कुछ मेन नहीं है कि आपको एक ही डायरेक्शन में करना है। आप मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हो कि हाँ ये वर्क कर रहे थे। देन आपको मैं अपर लिप्स पे तो ज़्यादा हेयर्स थे नहीं तो उसमें आपको देखा नहीं, लेकिन आपको मैं हाथ दिखा देती हूँ कि फेशियल हेयर्स को किस तरीके से इसने रिमूव किया है, और साथ में डेड स्किन भी आपकी जो है ईजिली रिमूव हो जाएगी। स्क्रब किया था हमने पहले तो आपके फेस पे कोई भी इचिंग वगैरह भी नहीं होगी। आप खुद ही देख सकते हो किस तरीके से इसने बहुत बेस्ट तरीके से हेयर्स को रिमूव किया है। तो कुछ इस तरीके से ही आपको अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करना है। बहुत हल्के हाथ से आपको जो है रेज़र को पकड़ना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे तो मेरे भी एक्सप्रेशन देख सकते हो आपके किस तरीके से आ रहे हैं एक्सप्रेशंस। तो आपको जो है जो भी हेयर्स जो निकलेंगे टिश्यू पेपर की हेल्प से या फिर कोई भी कॉटन पैड ले सकते हो उसकी हेल्प से उस पर साफ करते जाना है धीरे धीरे, तभी ये अच्छे से वर्क कर पाएगा। अगर इसमें हेयर्स रह जाते हैं तो ये अच्छे से वर्क नहीं करता है इसका जो ब्लेड है वो। और ये टिंकल ब्रांड का है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, बट इसमें जो काम वर्क कर रहा है वो मतलब वर्थ बाइंग है। बहुत अच्छा है प्रोडक्ट इस रेंज में, और आपके फेस पे ये नेचुरल ग्लो भी लेकर आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके फेस के ऊपर फेशियल हेयर्स कम होंगे या फिर नहीं होंगे तो आपका फेस ऑटोमेटिकली थोड़ा ग्लोई लगेगा और आपका फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ भी लगेगा। देन मैंने सेकेंड साइड में भी इसी तरीके से इसको यूज़ किया है, आप खुद देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से इसने जो है फेशियल हेयर्स को रिमूव किया है, और बहुत ईजी तरीके से कोई भी कट वगैरह भी नहीं लगा था मुझे गाइज इसको यूज़ करने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना होता है इसको। और यूज़ करने से पहले मैंने स्क्रब भी किया था और मैं अपने फेस पे देख रही थी कि ये कैसा लग रहा है मतलब रिमूव होने के बाद फेशियल हेयर्स। देन आपको आईब्रोज़ पे बिल्कुल ट्राई नहीं करना है गाइज़, अगर आप बिगनर्स हैं तो ओनली अपने फेस के ऊपर ट्राई कर सकते हो। आईब्रोज़ के लिए आप बिल्कुल भी इसको ट्राई ना करें जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाओ उसके लिए, वो आप पार्लर वाली दीदी से ही करवा लेना। देन आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। देन यूज़ करने के बाद सबसे मेन स्टेप है गाइज मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल आपको ज़रूर ज़रूर यूज़ करना है। अगर आप नहीं चाहते आपके स्किन के ऊपर रेजर बम्प्स हो या फिर कुछ भी दाने टाइप हो तो आपको बहुत अच्छी क्वान्टिटी में लेके अपने फेस के ऊपर इस तरीके से मसाज कर लेनी है। देन आपका फेस जो है ऑलरेडी रेडी है। ऑल राइट गाइज, यही था आज की मेरी वीडियो में कि मैंने आपको इसे डेमो करके बताया कि किस तरीके से आप फेशियल रेजर्स यूज़ कर सकते हो। मैं भी बहुत ज़्यादा डर रही थी इसको यूज़ करने के पहले कि ये मतलब किस तरीके से होगा और किस तरीके से ये रिएक्ट करेगा या फिर किस तरीके से मेरे फेस के ऊपर कोई दाने टाइप के तो नहीं हो जाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ में, और मैंने इसको यूज़ भी कर लिया है काफ़ी बार। और यूज़ करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना वो सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो फेशियल रेजर से रिलेटेड। और तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही में एक बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर देना ताकि नेक्स्ट में जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।